हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय सेशन। एज यू नो माय सेशन नेम इज जॉब सड्डा आईक्यू। ठीक है, मेरे सेशन का क्या नाम है? जॉब सड्डा आईक्यू। ये यूट्यूब का चैनल है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे ही लेक्चर लगता है तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और इंटरेक्टिव करने का माध्यम है ये। इस वीडियो को नीचे आपको लाइक करना है, शेयर करना है आपके फेसबुक, व्हाट्सअप, जो भी है। और देखिए, कमेंट कमेंट होता है, आप जो वीडियो के नीचे नीचे जाओगे ना, तो वहाँ पे कमेंट ऐसे लिखा होता है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है मतलब लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मैं कल आपको इसका दिखा भी दूंगी कैसे होता है ये। ठीक है, तो मेरा ये सेशन शुरू करवा के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट में आप टाइप कर सकते हो कुछ भी कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, या ये क्वेश्चन आप दोबारा करवाइए, या इसका मीनिंग आप बताइए। तो देखिए, जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उससे ही पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, उसी से पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, मतलब या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एक बार में सब कुछ समझ में आए, और या फिर उसका दूसरा मतलब यही है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अगर कमेंट नहीं आते हैं तो मैं यही समझूंगी कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप कमेंट लिखिएगा, कैसे लिखना है वो मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है, या फिर मेरा जो करंट अफेयर का सेशन होगा ना, उसमें आप देख लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो मैं डेली करंट अफेयर भी करवाती हूँ। ठीक है, और मेरा नाम आपको पता ही है, रजनी है, आपको ये सब्सक्राइब करना है। तो हम क्या करें हैं, क्या करने वाले हैं आज, हम करने वाले हैं आज क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको करवा दिया ए लेटर टू गॉड लेसन पूरा। ठीक है, इसके साथ मैंने एक सेशन, इसके तीन सेशन थे, अगले चौथे सेशन में मैंने आपको करवा दी वकैब। ठीक है, अब हम करेंगे जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। अब हम क्वेश्चन के आंसर आपसे खुद से करेंगे, इसमें आपको ग्रामर भी बताई जाएगी। देखिए, ये जो डिड है, डिड क्या है, डू की सेकेंड फॉर्म है डिड। ठीक है, यानी ये सारा का सारा जो है ये पास्ट के अंदर है। जब होता है क्वेश्चन इस तरीके से कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया होता है, यहाँ पे डिड दिया होता है, प्लस इसमें क्या होता है, सॉरी डिड, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे होता है ये फॉर्मेट। ठीक है, जब और क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, जब हम इसको आंसर में लिखते हैं तो पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम लिखते हैं वर्ब, वर्ब किसे, इस वर्ब के हिसाब से हम यहाँ पे इसकी वर्ब लिखते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी जो हमारा आंसर होता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये है डिड, यानी क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट में है। तो जब हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो दिस इज लेंचो, यानी ये आ गया सब्जेक्ट लेंचो। यहाँ पर हम लिखेंगे होप्ड। क्यों लिखेंगे होप्ड, क्योंकि डिड तो हम आंसर में लिख नहीं सकते, क्वेश्चन में लिखते हैं, डिड तो यूज हम क्वेश्चन में करते हैं। तो डू की सेकेंड फॉर्म है डिड, तो यहाँ पे हम होप की भी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे होप्ड, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा, ये ध्यान रखना। या होप लगा दिया ना सीधा, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी इसको उम्मीद है ये बन जाएगा, उम्मीद थी नहीं बनेगा, उम्मीद है। तो होप्ड, ये डिड से यहाँ पे होप्ड बनेगा, ये देखो आंसर में फोर, होप्ड फोर। अब आपका जो भी आंसर है वो आप लिख सकते हो, लेकिन आपको ये इतनी चीज़ पहले याद रखनी है। ठीक है, ये सीखोगे तभी बात बनेगी, यानी यहाँ डू होता तो हम यहाँ पे होप लिखते सीधा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिड है तो हम यहाँ पे होप लिखेंगे। तो लेंचो होप्ड फॉर, लेंचो को क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी लेंचो की, वाटर इन फॉर्म ऑफ रेन, पानी की ज़रूरत थी किस फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में, क्योंकि पानी तो कैसे लगाया जा सकता है ना, तो पानी की जरूरत थी इनको है फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, तो आप उस ऐसे भी लिख सकते हो कि लेंचो होप्ड फॉर ए लिटल सावर, ए लिटल रेन ड्रॉप्स, ए लिटल रेन ड्रॉप्स आर
एटलीस्ट ए सावर, एटलीस्ट ए सावर, जैसा कि आपका उसमें बुक में दे रखा है, एटलीस्ट ए सावर, यानी यानी थोड़ी सी बारिश हो जाए या ए लिटल ऑफ शावर, ठीक है, या लिटल ऑफ एटलीस्ट सावर, यानी थोड़ी सी बुछार हो जाए या फिर कुछ जो है बारिश हो जाए, ठीक है, एक की उसको जरूरत थी। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हो, आपके क्वेश्चन सही होंगे, गलत नहीं होंगे, ठीक है। अगला देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वाई डिड, ये भी डिड आ गया, लेंचो से, लेंचो ने बोला द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉर्न्स, तो लेंचो ने बोला था ना कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, जब बारिश आनी शुरू हुई तो ये क्या है, नए सिक्के हैं। क्यों बोला ऐसा, ही सेड, ही लिख सकते हो या लेंचो लिख सकते हो, से की सेकेंड फॉर्म, यहाँ डिड से सेकेंड फॉर्म बनेगी सेड, ही सेड, उसने कहा, दिस, दिस मतलब ये लाइन उसने बोली, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि, वाई का आंसर हम किस में देते हैं हमेशा, क्योंकि में देते हैं, वाई का आंसर किस में देते हैं, बिकॉज, क्योंकि में देते हैं। तो ही सेड दिस, उसने ये बोला मतलब रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉर्न्स, ऐसे बोला क्योंकि हिज क्रॉप्स, उसकी जो फसल थी, रियली नीडेड, वास्तव में ज़रूरत थी उसको रेन की, फॉर बीन ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल बनाने के लिए उसको जो है वाकई में बारिश की ज़रूरत थी। सो वैन इट रेन, जब बारिश आई, रेन्ड, ये भी सेकेंड फॉर्म में ही लिखोगे क्योंकि ये सारा का सारा पास्ट में लेसन था। सो वैन इट रेन, जब बारिश हुई, ही सा इट इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉर्न्स, तो उसने इसको जो है नए कॉर्न्स के सिक्कों के रूप में देखा। मैं आपको आंसर साथ साथ में याद ही करवा दूँगी, आपको जरूरत ही नहीं होगी, जैसे ही आप एक एक वर्ड करोगे ना याद हो जाएगी। ही सेड दिस, उसने ऐसा कहा, बिकॉज, क्योंकि हिज क्रॉप्स, उसकी जो क्रॉप्स थी, उसकी जो फसल थी, रियली नीडेड, वास्तव में ज़रूर थी उसको रेन की, किस लिए, फॉर बीन ए गुड हार्वेस्ट, अच्छे फसल के लिए। सो वैन इट रेन, जब बारिश हुई, ही सा इन फॉर्म ऑफ न्यू कॉर्न्स, तो इसको उसने नए सिक्कों के रूप में देखा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड, हाउ डिड, कैसे बदल गई बारिश, व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड, लेंचो की फील्ड के साथ क्या हुआ। तो द रेन चेंज्ड, बिकॉज देयर इज डिड, तो रेन चेंज्ड इनटू ए हेलस्टॉर्म, इसमें बदल गई, वो एक बर्फबारी में बदल गई, ठीक है। हेल्स फेल ऑन द हाउस, जो बर्फ थे वो घरों में गिर गए, गार्डन में गिरे, द हिल साइड एंड कॉर्न फील्ड, और मकई के उसके खेतों में गिरी। हेल्स जो है फाल होता है गिरना, उसकी सेकंड फॉर्म है फेल, ठीक है। तो हेल्स जो बर्फ थी वो गिरी कहाँ कहाँ पे, ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्न फील्ड, ठीक है, सब में ये गिरी। दे डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड कम्प्लीटली, तो क्या हुआ था, हैपन क्या हुआ था, दे मतलब हेल्स जो स्ट्रॉन थे, डिस्ट्रॉयड मतलब ख़त्म कर दिया लेंचो के फील्ड को कम्प्लीटली, यानी पूरे तरीके से इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वट वेहर लेंचोज फील वैन द हेल स्टॉर्म स्टॉप, जब बारिश रुकी तो लेंचो ने क्या फील किया, लेंचो फील होता ना फील, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वर, तो यहाँ पे फील की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल्ड, लेंचो फेल्ड कम्प्लीटली ब्रोकन, यानी पूरे तरीके से लेंचो टूट चुका था, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो बर्फबारी थी उसने कुछ नहीं छोड़ा, हैड लेफ्ट नथिंग, नथिंग कुछ नहीं छोड़ा, ही फेल्ड, उसने महसूस किया दैट की दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, यानी इस साल उनको कोई भी फसल नहीं मिलेगी, यहाँ विल की जगह वुड आएगा, ठीक है, इस साल उनको कुछ नहीं मिलेगा, वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, ठीक है। अगला देखिए, पेज नंबर सिक्स पे है ये फर्स्ट क्वेश्चन, हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, किस पे और किस चीज़ पे, क्या पे, लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को भरोसा था, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, क्या किया उसने, लेंचो हैड, लेंचो रखता था फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास रखता था,
हैड का क्यों यूज करते हैं, कुछ रखना अपने पास, ठीक है। तो लेंचो को रखता था, क्या रखता था, भरोसा इन द गॉड, भगवान पे ही फेल्ट, उसने महसूस किया। यहाँ पे फील कभी नहीं आएगा, जब भी आपको हिंदी में कन्वर्ट करना हो महसूस किया तो आप फेल्ट लिखोगे। ही फेल्ट दैट, उसको ये महसूस हुआ कि गॉड्स आई, जो भगवान की आंखें हैं, सा एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने क्या किया, उसने एक पत्र लिखा। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी रोट, तो ही रोट ए लेटर टू गॉड, तो उसने जो है एक पत्र भगवान को लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु रीड द लेटर, उस लेटर को किसने पढ़ा, तो द पोस्ट मास्टर एंड हु की जगह यहाँ पे वो जो नाम है वो लिख दो, बाकी बाकी सेम क्वेश्चन। द पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर, किस किसने, पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रीच द लेटर, ठीक है, या लेंचोज लेटर, ठीक है, सीधा लिख सकते हो, रीड द लेटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, तो पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया पढ़ने के बाद, द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड, हेल्प होता है सहायता करना, हेल्प लिखोगे, सहायता की लेंचो की, बाय सेंडिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान के बिहाफ पे उसने कुछ पैसे भेजे, ठीक है, ऑन बिहाफ, कहते हैं ना कि किसके बिहाफ पे आप नौकरी पाने आए हो, किसी की सिफारिश लेके जाते हो, या फिर कोई लेटर आया तो आप उस उनके बिहाफ पे ये लेटर दे रहे हो, तो उन्होंने गॉड के बिहाफ पे उसको कुछ मनी दी पोस्ट मास्टर ने। लेंचो हैड रिटन ए लेटर टू गॉड टू हेल्प, लेंचो ने लिखा था, हैड रिटन ए लेटर टू गॉड, एक लेटर लिखा था भगवान को, टू हेल्प करने के लिए, हिम विद मनी, पैसों से उसकी सहायता करने के लिए। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेंक, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था टू शेक, शेक होता है हिले, शेक के पहले टू लगता है, इसमें ध्यान रखना। लेंचोज फेथ, भगवान का, लेंचो का भरोसा हिले इन द गॉड, सो ही कलेक्ट मनी एंड सेंड टू लेंचो, इसलिए उसने पैसा इकट्ठा किया और लेंचो को भेज दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज है, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। अगला देखिए, अब आगे हैं पेज नंबर 7 पे फर्स्ट क्वेश्चन, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था लेटर को फाइंड करके, विद मनी इन इट, इसमें पैसे देख के क्या सरप्राइज हुआ था, नो नहीं, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी, लेंचो को कोई सरप्राइज नहीं हुई क्योंकि उसको भरोसा था इतना, ठीक है, टू फाइंड अ लेटर विद मनी में, यानी उसको लेटर जो मिला पैसों के साथ उसमें उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ। ही वॉज बिकॉज ही हैड फुल फैथ इन गॉड, ऐसा इसलिए था क्योंकि, इट वॉज ऐसा इसलिए था बिकॉज ही हैड फुल फैथ इन गॉड, उसको पूरा भरोसा था भगवान पे। ही न्यू, वो जानता था दैट कि गॉड सा एवरी थिंग इवन इन वन कंसाइंस, यानी भगवान सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि उसकी अंतरात्मा को भी देखता है भगवान, ठीक है। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, तो आज हम इतनी करेंगे, काफ़ी, एक सेकेंड, 13 मिनट का हो गया ना, थोड़ा 2 मिनट और कर लेते हैं, एक सेकेंड, काम था हमने, काम थी ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड हिम एंग्री, किस चीज़ ने उसको नाराज़ कर दिया, वो नाराज़ क्यों हो गया। लेंचो हैड रिक्वेस्ट, लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी भगवान को टू सेंड, भेजने के लिए हिम 100 पैसों, 100 पैसों के लिए, बट गॉड सेंड हिम ओनली 70 पैसों, परंतु भभगवान ने उसको सिर्फ 70 पैसों भेजे। इट वॉज नॉट, ये नहीं था गुड ऑन गॉड्स पार्ट, ये ऐसा काम भगवान का नहीं हो सकता। दिस मेड हिम एंग्री, तो वो नाराज हो गया कि भगवान तो ऐसा कर नहीं सकता, 70 भेज रहे वहाँ 30 और भेजने में क्या जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो नाराज हो गया, ठीक है। अगला देखिए, ये तो वही है क्वेश्चन, ये पेज नंबर 7 वाला हम कल करेंगे, जो क्वेश्चन थे पहले आपको क्या करना है, इतने याद करने हैं पहले, ठीक है। लेंचो को होप किसके लिए थी, लेंचो होप फॉर वाटर इन फॉर्म ऑफ रेन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइंस, ही सेड दिस, उसने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज
हिज क्रॉप्स रियली नीडिड ए रेन एट गुड हार्वेस्ट सो व्हेन इट ही सा इट इज़ फॉर्म ऑफ ए न्यू कॉर्न्स। ठीक है, अगला क्या था, हाउ डिड द रेन चेंज, कैसे बदल गई, हेलस्टॉर्म में बदल गई थी। ठीक है, और उसके खेतों के साथ क्या हुआ, वो जो हेल्स थी वो हाउस पे, गार्डन पे, हिल्स साइड पे, कॉर्न फील्ड में गिरी और वो लेंचो का खेत पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। लेंचो करनो ने क्या फील किया, लेंचो फील कम्प्लीटली ब्रोकन, फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन एंड द हेल हैड नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा, ही फेल्ट दैट दिस दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन आप कर लेना सारे, ठीक है, मैंने करवा दिए, ये हम पेज नंबर 7 वाले कल करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन भी है, जैसे मैं आपको करवाने वाली हूँ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का पोस्ट मास्टर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम करेंगे। ओके, तो आप देखते रहिए, मैं ज़्यादा लंबा सेशन इसलिए नहीं रह रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा याद करने में मुश्किल होएगी, तो जितना जितना क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं ना, जैसे आप 4-5 क्वेश्चन ही करवाएं आज, तो ये आप 4-5 क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और उनको याद कर लो। ठीक है, सिर्फ आज आपको 4 या 5 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चाहे थोड़ा थोड़ा करो लेकिन बेटर करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट कैसे करना है वो मैं आपको कल वाले सेशन में बताऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, बाय बाय, टेक केयर, टाइम का इस्तेमाल कर लो, घर पे रह रहे हो इतने में पढ़ाई कर लो। ठीक है, ओके।